हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पीछे थोड़ा देख के लगा होगा मैं कहाँ पर हूँ। अभी मैं छत पर आई हूँ। मैंने सोचा यार छत में इतनी सारी चीज़ें हैं तो इनका व्लॉग ना बनाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो मैंने सोचा मेरे छत पे अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के ना पौधे हैं, टमाटो, मिर्च और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी अभी आने धीरे धीरे। मैं तो नहीं, मेरे पापा भी बताएंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं इनके बारे में। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया है, वो भी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? तो चलो देखो आप आगे। हम पहले आते हैं इस वाले पौधे पे जो कि ये वाला है। ये तो वैसे इसमें टमाटो की ये डंडी लगी हुई है, पर ये रियल जो है पेड़ ऑरेंजेस का है, चाइनीज ऑरेंजेस का है, जिसका हमने अचार भी बनाया था। अभी तो देखो जैसे कुछ कुछ ही बचे हैं, जो पक गया था ना हमने उसका अचार बना दिया। अचार दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा अचार उसका, बहुत टेस्टी है खाने में। छत के ऑरेंजेस हैं। और जैसे कि ये है, हमारे घर में बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। जैसे ये तो थोड़े से ही हैं, कुछ अभी ऊपर की साइड है, मैं अभी वो भी दिखाऊंगी। ये देखो कच्चे हैं अभी सारे। और यहाँ पे देखो कुछ गेंदे के फूल लगे हुए हैं, और ये नागदून, इसे नागदून कहते हैं। और ये जो है पेट के लिए ठंडा होता है। और मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दिखाती हूँ जो मेरे पापा ने किया है। ये इसमें बॉटल को आधा काट के उसमें छेद कर करके इसमें पापा ने पुदीने के वो लगा रखे हैं। अच्छा लग रहा है ना? और ये कहीं ना आप अपने विंडो वगैरह पर टांग दो तो कितना प्यारा लगेगा। ये हमारा ग्रेप्स का पेड़ है। यहाँ पे देखो कितना सूखा सूखा लग रहा है, बट ऊपर देखो, ऊपर मतलब ग्रेप्स लगे हुए हैं। अभी थोड़े से लगे थे, अभी पापा ने कहीं दिखाए थे, कहाँ लगे थे वो रहे देखे, अभी लगेंगे ये, बड़े होंगे थोड़े थोड़े करके। और एक यहाँ पे भी है, कहाँ पे है वो, ऊपर दिख नहीं रहे। देखे अब ये थोड़े थोड़े करके बड़े भी होंगे। यहाँ पे भी लगे थोड़े से बोरे, पर और ये देखो जिसके ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये अरबी का पौधा है जिससे लोग सब्जी भी बनाते हैं, जिसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, पकोड़े भी बनते हैं इसके, और इससे बेसन के कट्टे भी बनाए जाते हैं, है ना? कितने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। इससे जो भी बनता है ना, मतलब बहुत टेस्टी बनता है, हमने ट्राई कर रखा है। ये है नेक्स्ट पौधा जिसको कुंजू कहते हैं, जो उत्तराखंड में पूजा में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, इसे बहुत शुभ मानते हैं। एंड ये सब कुछ, और इसके साइड में ये गुलाब का पौधा है जिसमें भी गुलाब तो लगे हुए नहीं है, नहीं क्योंकि यार गुलाब लगे हुए थे ना वो झड़ गए हवा की वजह से। ये देखो ये झड़ चुका है। ये भी एक्सपेरिमेंट कर रखा है, डिब्बे के ऊपर आधी बोतल। अरे ये मनी प्लांट है। और यहाँ पे कुछ पौधे हैं। ये जो पौधा है ये बेसिल का है, और इसके पौधे ना ड्राई करके पिज़्ज़ा में भी डाले जाते हैं, आपने देखे होंगे पिज़्ज़ा में। और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। और पीछे देखो आपको येलो येलो कुछ दिख रहा है, गेंदे के फूल, अच्छे लगते हैं ना। और ये देखो ये गुलदावरी का पौधा है जिसमें अभी सीज़न ऑफ हो गया तो इसमें कोई पौधा नहीं है, बट यार देखो इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रखा है, पाइप में इतना सा स्पेस कट करके उसमें पौधे डाल दिए, मिट्टी भी है इसमें। और यहाँ पे हमारा मनी प्लांट एक और साइड में छुपा हुआ है। ये आपने उस छत का तो देख लिया कि उस छत में कौन कौन से पौधे हैं, उस साइड मतलब जो जगह है, तो ये दूसरी साइड है जहाँ पे ये इतने सारे दूसरे पौधे हैं। यहाँ पे तो पूछो ही मत कितने सारे पौधे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे पौधे हैं। वैसे मैं तो नहीं, पापा बताएंगे इन पौधों के बारे में, क्योंकि ये बहुत सारे मुझे याद नहीं है, तो पापा बताएंगे। हेलो दोस्तों, ये टमाटर का पेड़ है, इस पर टमाटर अभी छोटे छोटे आए हैं, और ये छोटा सा भी तोरी का पौधा लगाया है हमने, गर्मियों तक इसमें तोरी लगनी चालू हो जाएंगी। और ये लहसुन बहुत सारा है, इसकी हम चटनी भी बनाते हैं, बड़ी स्वादिष्ट बनती है। ये तो देखा ही होगा गेंदा,
और ये पौधा अश्वगंधा का है, ये बहुत बीमारियों में काम आता है। और ये टमाटर देखिए, टमाटर तो आपके बार हमने बहुत लगाए हैं, ये देखिए टमाटर, टमाटर ही टमाटर है रखे हैं आजकल छत पे हमारी। और ये खरबूजे का भी लग गया है, और ये पुदीना, और ये छोटा सा एक बेसिल का पौधा भी है हमारे यहाँ, और तुलसी तो सभी के यहाँ मिलती है, तुलसी भी हो रखी है, इसमें भी बहुत सारे बीज आए हुए हैं। और ये देखिए बैगन का पौधा, और वो भी मटके में, मटके में लगा रखा है, और उस पर बैगन लग भी गया है, और साथ में टमाटर भी। और ये एलोवेरा, ये भी बहुत काम आता है स्किन के लिए। ये गेंदा, और ये कड़ी पत्ता, ये साउथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कड़ी में भी डाला जाता है, ढोकला वगैरह में भी डाला जाता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए फिर दोबारा से आ गया है टमाटर। और ये हमने एक कलम लगाई थी अंगूर की, वो भी लग गई है उसमें भी, ये देखिए इतना इतनी आ गई है, इसमें भी बेल बन गई है इसकी, यहाँ तक ये भी जा रही है ऊपर तक। ये हमने सिर्फ डंडी लगाई थी एक, और वो भी हो गई। दूधपंगरा, इसे दूधपंगरा बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, इसका हम तड़का लगाते हैं, और तड़का लगाने के बाद अलग ही एक खुशबू आती है इसकी। इसके पत्ते भी लहसुन जैसे ही होते हैं, मगर ये स्वाद में बहुत अच्छा होता है जब इसका तड़का लगाते हैं, तो पूरी दाल में इसकी एक अलग वो आती है खुशबू। और ये हमने मिर्ची भी लगाई हुई है छत पे, मिर्ची भी पूरी लाल हो चुकी है। और ये देखिए टमाटर तो अब की बार भरमार लग गई है, बहुत ज़्यादा टमाटर ही टमाटर हो रखे हैं हमारी छत पे। और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था अमरूद के पौधे के साथ, एक कलम बनाई हमने, और उस कलम को हमने अब इस गमले में लगा दिया है, और वो लग भी गई है, और क्या कहते हैं इसमें फूल भी आए हैं, और ये अमरूद बनना चालू हो गया है, फूल खिल चुके हैं। और ये बीन्स की फली का पौधा है, ये बीन्स अभी चल रहा है अप्रैल मई जून में, इसमें बीन्स भी लगनी चालू हो जाएंगी, जो चपटी वाली बीन्स होती हैं वो लगती हैं इस पे। ये भी हमने कलम से बनाया अमरूद का, ये भी ये दूसरा अमरूद वैरायटी है अलग, ये इलाहाबादी है। और ये जो बहुत बड़ा वाला अमरूद मिलता है, ये वो वाला अमरूद है, ये उसका हमने कलम बनाई थी, उसकी भी हमने लगाया है इसे। और ये अनार का पौधा, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, मगर अच्छा खासा हो चुका है ये भी।
और ये पपीते का पौधा भी है हमारे यहाँ, इस पे फ्लावरिंग हो रही है। और ये वही अमरूद का पौधा है जिससे हमने कलम बनाई है, हमने यहीं से ये कलम काट के दो कलम करी थी और अब इस पे भी फ्लावरिंग होने लग गई है। यही हमारे घर में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और कोई टब में लगा है, कोई गमले में लगा है, कोई बाल्टी में लगा हुआ है, हर टाइप के गमले हैं हमारे यहाँ, जिसमें मन आया उसमें हमने लगा दिया उसको। ये टब टूट गया था तो टब में भी हमने पौधे लगा दिए हैं।